नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोष। उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को मुफ्त सरकारी अनाज देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार राशन वितरण के अगले चरण में प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को राशन बांटेगी। राशन वितरण में वह भी शामिल होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसी के साथ यूपी में देश एक दिन में सर्वाधिक अनाज वितरण करने वाला प्रदेश बन गया है। सोनभद्र में 2 मंजिला से कूदकर युवक ने दी जान, मचा हड़कंप। स्थानीय पुलिस चौकी क्षेत्र में हिंडालको आवासीय कॉलोनी में शुक्रवार को 2 मंजिली इमारत से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। युवक ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की इसके कारण का पता नहीं चल सका है। रेणुकूट पुलिस चौकी क्षेत्र में हिंडालको के कार्यरत अरविंद कंपनी के आवासीय परिसर को दूसरे 424 में परिवार सहित रहते थे। देश भर में संक्रमितों की संख्या 14,378 हुई, अब तक 480 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 14,000 आंकड़ों को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 991 नए मामले आए हैं और 43 लोगों की मौत हुई है। जौनपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव संग क्वारंटाइन रहे। सोनभद्र के 11 लोगों को 3 गांव सील, जिला अस्पताल में 10 लोग आइसोलेट। जौनपुर में क्वारंटाइन सेंटर में रहे एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उसके साथ क्वारंटाइन रहे सोनभद्र जिले के 11 लोगों में से 10 लोग जिला प्रशासन की सक्रियता से मिल चुके हैं। उन्हें जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड क्रमांक में रखा गया। इनके सैंपल जाँच के लिए बेचू भेजे गए हैं। वाराणसी में कोरोना का कहर, 5 नए लोगों में मिला कोविड-19 का संक्रमण। वाराणसी में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। इन 5 का संबंध जमातियों एवं परिचितों से है। पिछले दिनों बेचू भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट शुक्रवार को आते ही हड़कंप मच गया है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पॉजिटिव मामले अभी तक वाराणसी के सामने नहीं आए थे। वाराणसी में अभी तक 9 पॉजिटिव मामले थे, अब तक यह संख्या बढ़कर 14 हो गई। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।